राज्य सरकार ने आज अपने कार्यकाल के 2 वर्ष किए पूरे। आज के दिन वर्ष 2017 में संभाला था कार्यभार। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर हुआ समारोह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में लिया हिस्सा। 2 वर्ष का सफल कार्यकाल पूरा करने पर राज्य सरकार को दी बधाई। कई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने पर हिमाचल सरकार को सराहा। अमित शाह ने राज्य सरकार की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तक का किया विमोचन। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों को भी किया सम्मानित। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनमंच, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा और हिमकेयर योजना को बताया राज्य सरकार की 2 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि। कहा जनमंच से 45,000 शिकायतों का मौके पर किया गया है निपटारा। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का दावा, राज्य सरकार ने विकास के क्षेत्र में हासिल किए नए मुकाम। अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल संचालन के लिए थपथपाई राज्य सरकार की पीठ। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने जताई उम्मीद, जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा सरकार अगले 3 वर्ष में छुएगी विकास की नई बुलंदियां। देश का पहला धुआं मुक्त राज्य बना हिमाचल। प्रदेश के हर घर को मिला रसोई गैस कनेक्शन। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत राज्य के सभी पात्र परिवारों को दिए गए मुफ्त गैस कनेक्शन। शिमला में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के तहत पहले ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह का हुआ आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में करीब 13,500 करोड़ रुपए के निवेश को धरातल पर उतारने की हुई शुरुआत। प्रदेश में इन दिनों मौसम साफ, नववर्ष पर कुछ स्थानों पर वर्षा और हिमपात की संभावना। जनजातीय व ऊपरी क्षेत्रों में सुबह शाम शीतलहर जारी।